हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सुजीत एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब बचा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके बाद बचा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वन बाय वन आपसे मैं मिलता रहूंगा वन बाय वन वीडियोस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके आइडेंटिफिकेशन की। तो हम आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, चुका होगा, चुकी होंगे, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ओके, लिया था, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, किया होगा, ये सारी आइडेंटिफिकेशन किसकी है? हमारी, हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। जहाँ पर भी आप इसको देखने को मिलेगा आपको ये सब कुछ ऐड कर देना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसका एक सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शेल हैव, ओके, विल हैव और शेल हैव में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। विल हैव प्लस शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये था इसका स्ट्रक्चर। और परफेक्ट टेंस के किसी भी टेंस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की कौन से फॉर्म का यूज करेंगे फ्रेंड्स? थर्ड फॉर्म का। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा चुका होगा, मैं जा चुका होगा, ठीक है, मैं जा चुका होगा। तो जा चुका होगा के लिए हम क्या बोलेंगे? I shall have gone, मैं जा चुका होगा, मैं खाना खा चुका होगा, मैंने खाना खा चुका। आप इस तरह से बोल सकते हैं, मैंने खाना खा चुका, मैंने खाना खा लिया है, वो प्रेजेंट की बात हो जाएगी। मैंने खाना खा लिया होगा, ठीक है। I shall have eaten food, चलिए आपको ये अफर्मेटिव समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव की। तो नेगेटिव में आपको shall और will के बाद not का यूज करना होगा। फॉर example, सब्जेक्ट प्लस will not been, will not have, shall not have प्लस थर्ड फॉर्म दी प्लस ऑब्जेक्ट। लेट मी टेल यू वन example, हमारा एक example देख लेते हैं। मैं नहीं जा चुका होगा, मैं नहीं जा चुका होगा, I shall not have gone, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा। नेगेटिव भी बहुत सरल है, बहुत इजी फॉर्म में यूज होता है। चलिए बात करते हैं इसके नेगेटिव की, इसके इंटरोगेटिव के, इसके इंटरोगेटिव के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने हर वीडियो में बताया कि किसी भी इंटरोगेटिव को बनाने के लिए आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होगा, किसी भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब। चलिए बात कर लेते हैं, क्या तुम वहाँ जा चुके होंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, क्या इसका स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या तुम वहाँ जा चुके होंगे, क्या तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे विल यू हैव गॉन देयर, क्या वहाँ जा चुके होंगे, विल यू हैव गॉन देयर। ये एकदम ईजी वे में आपने बना लिया है फ्रेंड्स और मैंने भी आपको सिखा दिया है। तो चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं इसके डबल इंटरोगेटिव के लिए, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव को कैसे यूज करेंगे फ्रेंड्स? डबल इंटरोगेटिव आप यूज करेंगे कि आप कब, आप इसको वेस्ट ना कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट टेंस होगा, उसके बाद हम वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।